If all of you shout, what is the benefit? You start discussion. नोटबंदी पर संसद में हंगामे का दौर थम नहीं रहा। विपक्ष मामले पर प्रधानमंत्री के रुख से खफा है। उसका कहना है कि पीएम मोदी नोटबंदी पर संसद में नहीं बोल रहे, लेकिन बाहर घूम घूम कर खूब बयान दे रहे हैं। विपक्ष ने दो दिन पहले मुरादाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में दिए गए भाषण को लेकर अपना सख्त एतराज जताया, जिसमें पीएम मोदी ने गरीबों से जनधन खातों से फिलहाल पैसा नहीं निकालने की अपील की थी। मैं दिमाग लगा रहा हूं, अभी मैं दिमाग खपा रहा हूं कि एक गरीब के खाते में जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से डाला है वो जाए जेल में और गरीब के घर में जाए वो रुपया। परसों मुरादाबाद में प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से क्लास वार के लिए उकसाया, उन्होंने कहा कि गरीबों जनधन का जो पैसा जमा है और पैसे को तुम लोग ले जाओ लूटो, गरीब अमीर के बीच लड़ाई कर रहे हैं। आई कार्ड लिस्ट, आई कार्ड, एनआरसी पैदा करी गई है। हम लोगों से एनआरसी के भी विरोध में। विपक्ष की माने तो सरकार नोटबंदी से पैदा हालात को हैंडल करने में नाकाम हो रही है, क्योंकि इसे बिना किसी इंतजाम के लागू कर दिया गया। नोटबंदी के बाद राहत के नाम पर सरकार की ओर से आए दिन ऐलान पर ऐलान तो हो रहे हैं, लेकिन उसके कई ऐलान सवालों के घेरे में भी आ रहे हैं। सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव का कहना है कि नोटबंदी से गरीब और किसानों पर बड़ी मार पड़ी है। ये पता क्या हाल है, बैंक में लाइन लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, और इसी तरह से खेत किसान और व्यापारी, इन दोनों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और इनका संबंध गहरा है, किसान पैदावार करता है, व्यापारी को बेचता है, व्यापारी सप्लाई करता पूरे देश के खाने के लिए। सरकार ने किसानों की सुविधा के नाम पर बैंकों में अलग से 5 लाख रुपए का फंड मुहैया कराने का ऐलान तो किया, लेकिन जहां कैश को मोहताज खुद बैंक है, वहां किसानों का क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, APN।